आपको चटपटी और टेस्टी अरबी की सब्जी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। और अरबी की सब्जी तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी होती है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अरबी की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 300 ग्राम अरबी ली है। आप अरबी जब भी खरीदे तो एक चीज का आप ध्यान रखें कि अरबी आप गोल लें इस तरीके की। एक तो इससे ये होता है कि अरबी जल्दी गल जाती है और इसकी बनाई हुई सब्जी भी खाने में टेस्टी लगती है। अब मैं सभी अरबियों को छील लेती हूँ। मैंने सभी अरबियों को अच्छे से धो करके छील लिया है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है। अब मैं इसमें से एक अरबी ले लेती हूँ। अब अरबी को काटना है। मैं इस तरीके से अरबी को काटूंगी। इस अरबी को ना ही ज्यादा मोटा काटना है ना ही ज्यादा पतला। ये मैंने अरबियों को काट लिया है। आप देख पा रहे हैं ये अरबी ना ही ज्यादा मोटी है और ना ही ज्यादा पतली। इस तरीके से मैं सभी अरबियों को काट करके इस बाउल में डाल लेती हूँ। मैंने सभी अरबियों को काट के तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। अब मैं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं। मसाला अरबी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं अरबी को 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। 10 मिनट करीब हो गए हैं। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे पैन रख दिया है। अब मैं इसके अंदर एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। अब मैं ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर अरबी डाल देती हूँ। अब मैं अरबियों को फ्राई कर लेती हूँ। मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। इस तरीके से फ्राई करने से एक तो अरबी सॉफ्ट हो जाएगी और क्रिस्पी भी हो जाएंगी, जिससे ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। अब मैं अरबियों को पलट देती हूँ। इन अरबियों को उलट पलट के क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। इस तरीके से फ्राई करके अरबी की सब्जी बनाने से सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब ये अरबियां क्रिस्पी होकर थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इस फोक से मैं दबा रही हूँ, देखिए तो ये दब रही हैं। बस हमें इसी टाइप की बॉइल अरबी चाहिए। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने सभी अरबियों को निकाल लिया है। अब यह ऑयल बचा है, मैं सब्जी में इसी ऑयल को यूज करूंगी। आप चाहे तो इस ऑयल को छान के भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रेश ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक चुटकी हींग डाल देती हूँ। हींग भुन गई है। अब मैं इसके अंदर एक छोटी चम्मच अजवाइन डालूंगी। अगर आप सब्जी को अजवाइन में बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसकी जगह जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन भुन गई है। इसके अंदर एक हरी मिर्च ये भी डाल देती हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है। अब मैं हरी मिर्च और अदरक को हल्का गोल्डन कलर का भून लेती हूँ। गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अदरक हरी मिर्च भुन गई है। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज डालूंगी, इसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है। प्याज को भी लगातार चलाते हुए हल्के गोल्डन कलर का भूनना है। प्याज भी हल्के गोल्डन कलर की भुन गई है। अब मैं इसके अंदर मसाले मिक्स करूंगी। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, गैस को मैंने स्लो कर दिया है। 1 टेबल स्पून करीब धनिया पाउडर। मैं इन मसालों को हल्का सा भून लेती हूँ। मसालों के अंदर जितना भी कच्चापन होगा वो चला जाएगा। हमें इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए भूनना है। मसाले भी भून गए हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके मिक्सी से पीस करके प्यूरी बनाई है। अब मैं इस प्यूरी को इसके अंदर डाल देती हूँ। अब मैं इसे मसाले में मिक्स कर देती हूँ। गैस को मैंने स्लो ही रखा है।
अब मैं इस मसाले को लगातार चलाते हुए भूनूंगी जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। अब ये मसाला भुन गया है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही डाल देती हूँ। दही को मसाले के अंदर लगातार चलाते हुए मिक्स करना है जिससे कि दही फटे ना। दही डालने से एक तो सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरा सब्जी देखने में भी सुंदर लगती है। आप चाहें तो इस सब्जी को बिना दही के भी बना सकते हैं, लेकिन दही डाल करके सब्जी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, इसीलिए मैंने दही का यूज किया है। मैंने इस मसाले को लगातार चलाते हुए स्लो गैस पे भुना है। मसाला जितना अच्छा भुनेगा सब्जी उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। मैंने अपने चैनल पे और भी अरबी की सब्जी की रेसिपी डाली हुई है और काफी लोगों ने उसको पसंद भी किया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर के उन सब्जियों को देख सकते हैं। और मसाले को लगातार चलाते हुए भुनना है। मैंने अपने चैनल पे काफी तरह की सब्जी की रेसिपी डाली हुई है, उनको सभी लोगों ने काफी पसंद भी किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के उनको भी देख सकते हैं। अब यह मसाला भी भुन गया है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर एक कप पानी डाल देती हूँ। पानी को मसाले के अंदर मिक्स कर देती हूँ। पानी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी रख सकते हैं, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप ग्रेवी को कितना पतला और गाढ़ा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। अभी मुझे इसके अंदर पानी कम लग रहा है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी और डाल देती हूँ। पानी को मिक्स कर देती हूँ। अब मैंने गैस को फुल कर दिया है। अब मैं इसमें उबाल आने देती हूँ। सब्जी में उबाल आ गया है। अब मैं सब्जी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी, इससे इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। इसको ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देती हूँ। मैंने जो अरबी फ्राई की थी वो इसके अंदर डाल देती हूँ। अरबी को मिक्स कर देती हूँ। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है, और ये सब्जी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब मैं इसके अंदर नमक मिक्स कर देती हूँ, नमक टेस्ट के अनुसार। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। सब्जी को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं सब्जी को 3 से 4 मिनट करीब स्लो गैस पे पकाऊंगी जिससे कि मसाले अरबी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। 4 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, सभी चीजों को मिक्स कर देती हूँ। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है। आप इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब मैं सब्जी को सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्जी, और ये सब्जी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इस सब्जी को बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये सब्जी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस सब्जी को पूड़ी, पराठे, चपाती, नान, चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सब्जी सभी के साथ खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इस सब्जी को किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, या किसी के गेस्ट के आने पे भी ये सब्जी को बना सकते हैं, उनको भी ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपकी अरबी की कुछ हटके खाने की इच्छा है तो आप इस सब्जी को जरूर बनाइएगा, आपको ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरे घर में तो इस सब्जी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और देखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में उससे ज्यादा टेस्टी लगती है। और इसको बनाना भी कितना आसान है, ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इस सब्जी को लंच बॉक्स में भी बना करके ले जा सकते हैं। अब मैं इस सब्जी में थोड़ी सी हरे धनिए की गार्निशिंग कर देती हूँ जिससे कि सब्जी देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप अरबी की सब्जी को कब बना रहे हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें आप अपनी बनाई हुई रेसिपी का फोटो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।